नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जानेंगे एक भाग्यशाली हाथ के बारे में। ऐसी कौन सी रेखा या निशान है जो इस हाथ को भाग्यशाली बना देती है? क्या पता इनमें से कोई निशान या रेखा आपके हाथ में भी हो, तो आने वाले फ्यूचर में ये जानकारी आपके लिए बहुमूल्य साबित हो सकती है। तो मिलेगी संपूर्ण जानकारी, जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहना है। शुरुआत करेंगे आपके एक लाइक के साथ। आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, आइए शुरू करते हैं। शुरुआत करने से पहले, जैसे कि आपको हर वीडियो में बताते हैं कि अगर आप लड़के हैं तो अपने राइट हैंड में, अगर लड़की हैं तो अपने लेफ्ट हैंड में इस जानकारी को देखना है। और इसी के साथ अगर आप चाहते हैं हमसे पर्सनली बात करना, तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट का। जाकर आप दोनों अकाउंट्स पर फॉलो कीजिए, जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। हाँ, रिप्लाई मिलने में आपको थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि हमारे पास डेली बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, पर रिप्लाई मिलेगा ज़रूर। और एक ज़रूरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है दोस्तों, कि अगर आपको कोई वीडियो के कमेंट्स में अपना नंबर दे रहा है कंसल्टेशन के लिए, तो इन नंबर के चक्करों से दूर रहें, क्योंकि आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है, तो इन नंबर से बचना है। सबसे पहले हम जानेंगे तीन ऐसी बेसिक रेखाओं के बारे में जो नॉर्मली हाथों में बनती हैं, और इन तीन रेखाओं के योगदान से ही बनते हैं खास तरीके की रेखाएं और निशान। तो वो रेखाएं कौन सी हैं, आइए पहले जान लेते हैं दोस्तों। ये है आपकी जीवन रेखा, जिसे लाइफ लाइन कहा जाता है। इसके बाद आती है आपकी माइंड लाइन, जिसे मस्तिष्क रेखा कहा जाता है। यहाँ पर होती है आपकी हार्ट लाइन, जिसे हृदय रेखा भी कहा जाता है। सबसे पहले हम जानेंगे ऐसे सवाल का जवाब जो हमसे बहुत बार पूछा जाता है, कि हमारे जीवन में बड़ा धन लाभ होगा या नहीं, ये हम कैसे पता कर सकते हैं, और कितनी उम्र में होगा वो भी हमें बताया जाए। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों, इनकी जो माइंड लाइन है, जिसे मस्तिष्क रेखा भी कहा जाता है, जैसे कि आपको अभी बताया था, अब यहाँ पर इनकी जो भाग्य रेखा है, जो लाइफ लाइन से निकलती हुई आ रही है और इस प्रकार से इनकी हार्ट लाइन तक पहुँच जाती है। अब एक खास तरीके की रेखा इसमें से निकलती है और इनकी माइंड लाइन को काटते हुए ऊपर चली जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मनी ट्रायंगल का साइन बन रहा है। तो ये निशान जिनके हाथ में बनता है, तो दोस्तों उनके जीवन में होता है बड़े धन लाभ का आगमन। डिपेंड करता है आपके करियर पर। अगर आप बिजनेस की फील्ड में हैं, तो दोस्तों 25 से 30 साल की उम्र में योग बनता है बड़े धन लाभ का। मौके मिलते हैं, बस मौका चूकना नहीं है। अगर मौका संभाल लिया तो बड़ा धन लाभ आपका होगा। बट अगर आप जॉब की फील्ड में हैं, तो ये 30 से 35 साल, उससे ज़्यादा भी जा सकता है योग। हो सकता है स्ट्रगल थोड़ा ज़्यादा रहे, बट एक चीज़ का ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस हाथ में जो भाग्य रेखा है वो सिर्फ हार्ट लाइन तक गई है। अगर ये रेखा आपकी शनि पर्वत तक जाती है, तो आप इंडिविजुअली, मतलब आप खुद के दम पे बड़ा कार्य करते हैं और बड़ा धन लाभ कमाते हैं। बट यहाँ पर ये रेखा, जैसे कि आपको बता रहे हैं, हार्ट लाइन तक गई है, मतलब कि आपको आपके लाइफ पार्टनर का सपोर्ट या फिर किसी और पार्टनर का सपोर्ट, मतलब यहाँ पर आप पार्टनरशिप में काम करेंगे। अब अगर आपने गौर किया होगा, तो यहाँ पर एक और निशान भी बन रहा है, जो इस चीज़ की पुष्टि कर देता है कि 25 से 30 साल की उम्र के बीच में अगर आप बिजनेस की फील्ड में हैं, तो धन लाभ का योग बनेगा और आपकी मनचाही इच्छा पूरी होगी। तो वो निशान कौन सा है, देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर आप अपनी हार्ट लाइन को देखते हैं, जिसे हृदय रेखा भी कहा जाता है, अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, माइंड लाइन और हार्ट लाइन के बीच में जो ये भाग्य रेखा है, कुछ इस प्रकार से बनी हुई है, और एक छोटी सी रेखा यहाँ पर बना रही है क्रॉस का साइन। तो अगर आपने हमारी पहले की वीडियोस देखी हैं, तो आप भली भांति जानते होंगे इस निशान के पीछे का रहस्य क्या है। बट अगर आप पहली बार देख रहे हैं, तो आपको बताना चाहेंगे कि इस प्रकार से जब भी क्रॉस का साइन आपके हाथ में बनता है, और वो भी हार्ट लाइन और माइंड लाइन के बीच में, तो 26 से 29 साल, इन 4 सालों में आपके पास खूब सारे मौके आते हैं और मौका संभालने की देरी है बस, और यहाँ पर आपके जीवन में आपकी मनचाही इच्छा पूरी होती है। और जैसे कि आपको पहले बता रहे थे, मनी ट्रायंगल का साइन 25 से 30 साल की उम्र में और क्रॉस का साइन 26 से 29 साल की उम्र में, तो लगभग आप यही मान के चल सकते हैं कि अगर आप खुद के दम पे कोई कार्य कर रहे हैं, या फिर कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसमें आप किसी के अंडर कंट्रोल नहीं हैं, तो आपको 25 साल की उम्र के बाद मिलेगी बड़ी सफलता।
तो दोस्तों ये तो बात हो गई आपके हाथ में बने कुछ खास निशानों के बारे में। अगर इनमें से कोई भी आपके हाथ में है तो आप भाग्यशाली हैं, जो भी आपको बातें बताई उनके अकॉर्डिंग अगर आप चलते हैं तो जिस उम्र में आपको बताया है आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कुछ खास रेखाओं के बारे में जो इनके जीवन में फाइनेंशियल कंडीशन को अच्छा दिखाती हैं। आर्थिक स्थिति में कभी भी तंगी नहीं होगी, कभी भी पैसे की कमी नहीं होगी। तो वो रेखाएँ कौन सी हैं उसको जानने के लिए आपको देखना होगा अपना शुक्र का पर्वत। अगर आप इनके शुक्र पर्वत पे ध्यान दें दोस्तों तो यहाँ पर आपको वर्टिकल लाइंस नज़र आती हैं कुछ इस प्रकार। वर्टिकल लाइंस मतलब खड़ी हुई रेखाएं, अगर आप हाथ को सीधा करते हैं और अगर इस प्रकार से शुक्र पर्वत पे खड़ी हुई रेखाएं होती हैं और ज़्यादा हाईलाइट हों, गहरी हों हॉरिजॉन्टल रेखाओं के मुकाबले, तो यहाँ पर आपके जीवन में कभी भी पैसे की कमी नहीं होती है। अब चाहे वो खुद का खर्चा निकाल के हो, घर वालों का खर्चा निकाल के हो, उसके बाद भी आपके पास बचत रह जाती है, मतलब आर्थिक स्थिति में कभी भी तंगी नहीं आएगी। पर अगर यही रेखाएं हॉरिजॉन्टल होती, मतलब लेटी हुई रेखाएं होती, तो आपको बताना चाहेंगे दोस्तों यहाँ पर आपके करियर के शुरुआती समय में स्ट्रगल देखना पड़ सकता है। हो सकता है आपको कहीं से उधार भी लेना पड़े, बट आप तभी आगे कदम बढ़ाइए जब आपको लगता है कि जो ये आप पैसा लेकर इन्वेस्ट करने जा रहे हैं वो लॉन्ग टर्म चलेगा, तभी कोई ऐसा कदम उठाइएगा। आपको ये बातें इसलिए रिकमेंड करते हैं दोस्तों, हो सकता है एक्स्ट्रा पॉसिबिलिटी जो आपको बना के दिखा रहे हैं आपके हाथ में भी हो। अब एक और चीज़ यहाँ पर हमें नज़र आती है दोस्तों, इनकी लव लाइफ के रिलेटेड, या फिर ये कह लीजिए कि अगर ये किसी को पसंद करते हैं, चाहते हैं, तो यहाँ पर इनके जीवन में 50-50 योग हैं कि लव मैरिज भी हो सकती है, अरेंज मैरिज भी हो सकती है। क्योंकि इनकी जो रेखा है वो इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर के बीच का जो गैप है वहाँ पर जा रही है। बट अगर यही रेखा हार्ट लाइन अगर जाती इनके गुरु पर्वत पर सीधा, जिसे बृहस्पति पर्वत भी कह देते हैं, तो ये आपके जीवन में बहुत ज़्यादा अच्छे चांसेस बनाते हैं लव मैरिज के। बट यहाँ पर जैसे कि आपको बता रहे थे 50-50 चांसेस हैं, मतलब आपको थोड़ा सा एफर्ट ज़रूर लगाना पड़ेगा। और अगर आपको पता है कि सपोर्ट आपके पार्टनर की तरफ से पूरा है तो आपको ज़रूर कदम उठाना चाहिए, आपके लव मैरिज की पॉसिबिलिटी भी बन सकती है। इसके बाद अगर आप इनकी लाइफ लाइन पर ध्यान दें, जिसे जीवन रेखा भी कह देते हैं, अब ये रेखा कुछ इस प्रकार से बनी हुई है, बट इसमें से एक रेखा निकल के बाहर की ओर जा रही है, जो आपके जीवन में बनाती है दोस्तों विदेश में परमानेंट सेटलमेंट के योग। अगर आप विदेश जाने में इंटरेस्टेड हैं, या फिर आप विदेश में ही हैं बट अभी तक आपको परमानेंट सेटलमेंट का कोई योग नहीं बन रहा है, तो चिंता मुक्त हो जाइए, क्योंकि इस प्रकार से रेखा बनी हुई जैसे कि ये बाहर की ओर आ रही है, ये बहुत कम लोगों के हाथ में बनती है दोस्तों। थोड़ा एफर्ट ज़रूर लगाना पड़ेगा बट आपको ये मौका ज़रूर मिलेगा परमानेंट सेटलमेंट बनाने का, क्योंकि देखा गया है कि इस प्रकार से रेखा बनती तो है बट वो अंदर की ओर चली जाती है। यहाँ पर वतन वापसी का योग बनता है दोस्तों, आप रहेंगे विदेश में, पैसा भी कमाएंगे, नाम भी कमाएंगे, बट कहीं ना कहीं वापसी के चांसेस हमें नज़र आते हैं। बट इस प्रकार से बाहर की ओर रेखा होना बहुत अच्छा मौका है आपके लिए, बस आपको मौका संभाल लेना है, सफलता आपकी होगी। ये तो बात हो गई आपके पॉजिटिव पॉइंट्स की। अब बात कर लेते हैं एक नेगेटिव पॉइंट की जो इस हाथ में बन रहा है। हो सकता है उस वजह से आपको जो सफलता समय पे मिल जानी चाहिए थी वो डिले हो रही है और आपको सफलता में रुकावट का सामना करना पड़ रहा है। तो वो नेगेटिव पॉइंट कौन सा है उसको जानने के लिए आपको देखना होगा मंगल का पर्वत जो बनता है यहाँ पर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक रेखा मंगल पर्वत से निकल के आ रही है और इस प्रकार से बाहर की ओर आती हुई माइंड लाइन को काट रही है। और इस प्रकार से जब भी कोई रेखा आपके मंगल पर्वत से निकल रही हो और बाहर की ओर आ रही हो और आपके माइंड लाइन को काट रही हो, तो ये आपके नेचर में शॉर्ट टेम्पर दिखाता है, मतलब जल्दी गुस्सा आ जाना, या फिर आप कोई कार्य कर रहे हैं, पहली बार में असफलता मिली, दूसरी बार में असफलता मिली, तो तीसरी बार में आपका मन ही डाइवर्ट हो जाता है, आप उसे बीच में ही ड्रॉप कर देते हैं, जिस वजह से आपको कोई नया काम फिर से शुरू करना पड़ता है और आपको असफलता उतनी ही देर से मिलती है। तो कृपया अपने नेचर पर थोड़ा कंट्रोल करें, ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है दोस्तों, बस आपको अपने स्वभाव पे ध्यान देना है, काम पे फोकस रखना है। हो सकता है शुरुआती समय में आपको सफलता भी मिले बट आपको हार नहीं माननी है, यहाँ पर आपको अपना मनोबल बनाए रखना है। और जैसे कि आपको बताया, ये जो खास निशान, इनमें से अगर आपके हाथ में कोई है तो इन खास निशानों के अकॉर्डिंग जिस उम्र में आपको बताया है आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी।
तो दोस्तों ये थी कुछ खास जानकारियाँ इस हाथ के रिलेटेड जो इस हाथ को बनाती हैं भाग्यशाली। अगर इनमें से आपके हाथ में भी कोई रेखा या खास निशान बना हुआ है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो भी आपको इस वीडियो में बातें बताई क्या वो मैच कर रही हैं आपकी लाइफ से। कोई वीडियो के रिलेटेड डाउट या सवाल रह गया हो तो वो भी आप हमें पूछ सकते हैं। फ्यूचर में आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए। मैं आपसे मिलूंगा एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार।